हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ड्रॉइड बन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में ये कैसे सेट करेंगे कि जब भी आपका फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति अनलॉक करने का कोशिश करे तो उस टाइम आपका फ़ोन उस व्यक्ति का फ़ोटो खींच ले। सो ये सेट करना बहुत ही ईजी है और यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चीज़ मैंने अपने फ़ोन में पहले से ही सेट कर रखा है। सो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में रॉन्ग पैटर्न डालता हूँ एंड उसके बाद आप कैमरा का साउंड सुनो। यहाँ पे मैंने इनेबल कर रखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि फ़ोन फ़ोटो क्लिक कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर मैंने जब भी अपने फ़ोन को रॉन्ग पैटर्न से ट्राई किया अनलॉक करने का तो यहाँ पर ये फ़ोटो कैप्चर कर रहा है। ये फ़ोटो आपके फ़ोन में सेव होता है और ये कहाँ सेव होता है वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। उससे पहले ये कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा अपने डिवाइस में। इस एप्लीकेशन का नाम है मैक्रोड्रॉइड। इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सेट करोगे कि जब भी आपका फ़ोन कोई चार्ज में लगा है तो आपका फ़ोन उस बंदे को थैंक यू बोले। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैमरा वाला सेटअप आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में देखना है कि इनेबल और डिसेबल का जो ऑप्शन है वो इनेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको इनेबल कर ले। उसके बाद यहाँ पे ऐड मैक्रो पे क्लिक कर दें। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तीन इंटरफेस आपको मिलेगा। उसमें आपको ट्रिगर जो ऑप्शन है उसके सामने जो प्लस का आइकन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे डिवाइस इवेंट्स जो है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ पॉपअप में आपसे ऐसा पूछेगा, यहाँ पे आपसे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का जो परमिशन है वो मांगेगा, तो उसको देने के लिए ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको उसी पे क्लिक करना है लॉगिन अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का पॉपअप विंडो आएगा, तो इसमें आपको नंबर चूज़ करना है कि कितने बार रॉन्ग टाइप करने के बाद ये कैप्चर करेगा। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ 1, उसके बाद ओके कर देते हैं एंड ये ट्रिगर्स कम्प्लीट हो चुका है। अब चलिए एक्शन को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक्शन के सामने जो प्लस आइकन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्शन में चूज़ करना है कैमरा एंड फोटो जो सेकंड नंबर में है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको टेक पिक्चर जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन के कैमरा यूज़ करने का परमिशन आपसे लेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपसे स्टोरेज का परमिशन लेगा तो वो भी आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद पॉपअप में कुछ ऐसा आएगा, आपसे कैमरा सेलेक्ट करने को पूछेगा, तो यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा चूज़ कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा कि आप कैमरा आइकन शो करना चाहते हो या नहीं, तो यहाँ पे आपको हाइड कैमरा आइकन चूज़ करके एंड ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपके जो फ़ोटो का फाइल नेम है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट फाइल नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इतना सेटअप करने के बाद ऑल सेट हो चुका है। अब आपको सिंपली इस टास्क का कोई नेम दे देना है, जो कि ऊपर में एक ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ पर इस टास्क का कोई नेम दे देना है। उसके बाद ओके कर देना है एंड नीचे में जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में वो टास्क ऐड हो जाए। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये एप्लीकेशन फोटो क्लिक करके किस जगह पे रखता है। तो यहाँ पे आप गैलरी से भी डायरेक्ट देख सकते हो या आप अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर में आओगे और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा मैक्रोड्रॉइड नेम से। यहाँ पे फ़ोटोज़ फोल्डर में सारे फ़ोटोज़ जो कैप्चर होंगे वो सब यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दो इस वीडियो को एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके मन में और भी कोई टास्क है इस एप्लीकेशन के लिए तो नीचे कमेंट जरूर करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।